आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि माँ गंगा को त्रिपथग्गा क्यों कहा जाता है। जीवनदायिनी माँ गंगा लाखों लोगों को जीवन प्रदान करती है और लाखों लोग अपने जीवन की आखिरी सांस भी गंगा में लेना चाहते हैं। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि विष्णु के पैर के पसीने से गंगा का निर्माण किया। गंगा के तटों पर विभिन्न त्योहारों पर मेलों का आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। माँ गंगा को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। माँ गंगा को त्रिपथग्गा भी कहा जाता है। त्रिपथग्गा यानी तीन रास्तों की ओर जाने वाली। गंगा भगवान शिव की जटाओं से धरती, आकाश और पताल की तरफ गमन करती है। पृथ्वी को आने वाली गंगा को भागीरथी कहा जाता है। गंगा को आकाश की ओर जाने वाली माने जाने के कारण मंदाकिनी भी कहा जाता है। आकाश में फैले तारा समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। वह गंगा का ही एक रूप माना जाता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।